पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान ताऊते से अभी देश उबर भी नहीं पाया था कि आज ओडिशा में तूफान यास ने मुश्किल बढ़ा दी। यास ओडिशा के तट से टकराने के बाद अब आगे बढ़ चुका है। जहां तूफान टकराया वहां 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो कहां कहां से गुजरने वाला है ये तूफान, देखिए ये रिपोर्ट। यास तूफान आज सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया। 10:30 से 11:30 के बीच वो दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर करीब से गुजरा। इस दौरान हवाओं की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। इसके बाद तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया और बालासोर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पहुंचा। तूफान के कारण बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र के किनारे बनी कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया है। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। तूफान यास के कारण झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं पटना सहित बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर तो बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। बंगाल के दीघा और मंदारमानी में होटलों और दुकानों में समुद्र का पानी भर गया है। बंगाल के नादिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, पश्चिमी बर्धमान, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, हावड़ा, कोलकाता पोर्ट, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी कोलकाता, सेंट्रल मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी कोलकाता, हुगली, बेहला में एक एक टीम तैनात है। वहीं ओडिशा के बालासोर में 3 टीमें और 1 इंजीनियर्स की टीम की तैनाती की गई है। अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक ऑपरेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि तूफान के असर से हाल शहर में 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इस दौरान 4-5 लोग घायल भी हुए। छुछुरा में भी करीब इतने ही घरों को नुकसान हुआ है, जबकि पंदुआ में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ कोलकाता के अलीपुर स्थित मौसम विभाग के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने चक्रवात से निपटने के लिए मौजूद संसाधनों का जायजा लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।